उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू अ टॉपिक लेटेस्ट वर्ड्स फॉर क्लास 6 इज अ टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आप वेरियस एक्सरसाइजेस को रिवाइज करेंगे और यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के वो टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर रहे हैं। नाउ स्टार्ट। इन फर्स्ट एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 1 राइट एस। एस मीन्स सेंटेंस। क्यू, क्यू मीन्स क्वेश्चंस। सी, सी रिप्रेजेंट अ रिक्वेस्ट इफ यू यूज प्लीज। एंड कमांड, कमांड मीन्स जब आप किसी को कहते हैं डू इट एंड यू हैव टू डू इट, आपको ये करना है। और ई, ई मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दीज सेंटेंसेस इन विच द सेंटेंसेस एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, यानी वो सेंटेंसेस जो आपके एक्सप्रेशंस को डिफाइन करें वहां हम ई एन एक्सक्लेमेटरी मार्क करें। नाउ लुक हियर, फर्स्ट सेंटेंस, हु पेंटेड दिस पिक्चर। एक्चुअली इट इज अ क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन इसमें पूछा ही जा रहा है कि किसने पेंट करी है पिक्चर। तो सबसे पहले तो इट इज अ क्वेश्चन, यू पुट क्वेश्चन मार्क एंड राइट क्यू इन फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन। इन सेकेंड सेंटेंस इट इज अ क्वाइट ब्यूटिफुल। यहाँ आपको बताया जा रहा है किसी चीज के बारे में कि बहुत खूबसूरत है। दिस सेंटेंस एक्सप्लेन योर फीलिंग्स, सो इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वी मार्क ई इन फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस। आप इसमें बता रहे हैं कि कितने खूबसूरत है कोई भी चीज, ड्रेस या कोई भी सीनरी, कोई साइट, उसके बारे में आपको लिखा जा रहा है कि कितने खूबसूरत है। दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस आपकी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है। नंबर 3, प्लीज टेल मी हैव। क्या आपको इसके बारे में पता है? यहाँ ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टू हैव इट, कि आप इसको अपने पास रखें। दैट्स व्हाई वी यूज सी हियर। इन 4th सेंटेंस, आई कैन पे फॉर इट। इट इज अ सिंपल सेंटेंस। इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि मैं पे कर दूंगा, मैं इसकी पेमेंट दे दूंगा। इट इज अ सिंपल सेंटेंस, सो वी पुट एज वी शो इट जस्ट अ सेंटेंस, नॉट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ कोई फीलिंग का इजहार नहीं हो रहा, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा आपसे, कोई कमांड या कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा रही कि आपको पे करना है या मैं उन्होंने कहा कि मैं दे दूंगा, आई पे फॉर इट। दैट्स व्हाई वी पुट एस। नाउ लुक फॉर एक्सरसाइज बी। आपको सर्कल करना है सब्जेक्ट और अंडरलाइन करने हैं प्रीडिकेट्स। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? द वर्ड विच यू हैव टॉक अबाउट, जिसके बारे में आप सेंटेंस में बात कर रहे हैं। कोई भी चीज, कोई पर्सन है, कोई थिंग है, कोई एनिमल, कोई प्लेस, वो आपका सब्जेक्ट होगा। और प्रीडिकेट यानी वो वर्ड जो आपको इस सब्जेक्ट के आपके नकारे में बता रहे हैं। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। वजिया हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। In this sentence, we are talking about Vajia. Vajia is our subject, so we are going to circle the word Vajia. Now, in this sentence, हमें क्या पता चल रहा है Vajia के बारे में कि वो first आई class में। तो predicate क्या होगा? Stood first in the class. यानी ये हमारे subject Vajia के बारे में बताया जा रहा है कि वो first आई अपनी fourth class में। तो ये predicate है, हम इसको underline करेंगे। In second sentence, hungry goldilocks. Have you read a story about a goldilocks? Hungry goldilocks यानी वो बहुत भूखी थी, ate the porridge on the table. आपने goldilocks की स्टोरी को पढ़ी होगी बच्चों। वहां वो दिखाया था कि वो बहुत भूखी है और वो बेयर्स के घर में जाके जो पॉरेज रखा हुआ होता है टेबल पे वो उसको खा लेती है। सो इन दिस सेंटेंस goldilocks इज आवर सब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट goldilocks एंड व्हाट शी डू एट द पॉरेज ऑन द टेबल। क्या किया उसने? कि उसने पॉरेज खा लिया था जो कि टेबल पे रखा। सो इट इज अ प्रीडिकेट, इट टेल्स अबाउट व्हाट द गोल्डिलॉक्स डन। नाउ इन एक्सरसाइज सी ऑन पेज नंबर 1, यू हैव टू अंडरलाइन योर कॉमन नाउन एंड सर्कल प्रॉपर नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? एनी कॉमन नेम, बॉय, गर्ल, प्रिंसिपल, एनी बर्ड, एनी एनिमल, कैट, डॉग, काउ, हैन, any place, school, hospital, house, city, or anything like desk, pencil, newspaper. And what is proper noun? क्या होगा proper?
शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज का. इन फर्स्ट सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर नाज़िम इज आवर न्यू प्रिंसिपल. देन कॉमन नाउन इज, वी आर गोइंग टू अंडरलाइन अ कॉमन नाउन. प्रिंसिपल इज अ कॉमन नाउन. नाउन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को नहीं रिप्रेजेंट करते बच्चों, नाउन आपके रिलेशन को भी बताते हैं. सो मिस्टर नाज़िम आपके प्रिंसिपल है, यहाँ ये इनका उदा बता रहे हैं. एनी प्रिंसिपल, एनी कॉमन नाउन, वी आर गोइंग टू अंडरलाइन. एंड वॉट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज मिस्टर नाज़िम, इज आवर प्रॉपर नाउन. सो वी आर गोइंग टू सर्कल. इन सेकेंड सेंटेंस, द लिटिल हैंड वॉज फ्राइटेंड ऑफ द फेक फॉक्स. देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिटिल हैंड. एनी लिटिल हैंड, कोई सी भी छोटी सी मुर्गी. वॉज फ्राइटेंड, बहुत खौफजदा है. विट फॉक्स, चला फॉक्स से. तो यहाँ पे किसी भी फॉक्स की बात हो रही है. देयर इज नो कॉमन नाउन, सो वी आर गोइंग टू सर्कल, सॉरी वी आर गोइंग टू अंडरलाइन कॉमन नाउन. इट इज अन कॉमन हैंड और फॉक्स. इसके साथ साथ हम फॉक्स को भी अंडरलाइन करेंगे. यहाँ हमारे पास दो कॉमन नाउन है, हैंड एंड फॉक्स. बट इन दिस सेंटेंस वी हैव नो प्रॉपर नाउन. Now, in exercise D, we are going to circle subject and underline object. Actually, बच्चों यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यानी जिस चीज के बारे में, जिस शख्स के बारे में हम बात करें वो हमारा सब्जेक्ट होगा. और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा रिलेट करेगा वर्ब से. वट इज वर्ब? डूइंग वर्ड. जो हमारे बताए कि हम काम किया गए हैं वो हमारा वर्ब होता है. उससे रिलेट करता हुआ जो भी होगा चीज, वो ऑब्जेक्ट होगी हमारी. यहाँ देखें, मदर कट द वेजिटेबल्स विद नाइफ. सो अवर सब्जेक्ट इज मदर. वी आर गोइंग टू सर्कल द वर्ड विद मदर. मदर क्या कर रही है? कट कर रही है. वर्ड क्या है यहाँ पे हमारा? कट, यानी वो काम क्या कर रही है? काट रही है. क्या चीज काट रही है? वेजिटेबल्स. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं. द लिटिल पिजन फ्लू अवे. छोटा पिजन जो है वो उड़ गया दूर. तो यहाँ पे क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट पिजन, लिटिल पिजन. हमारा सब्जेक्ट लिटिल पिजन है, हमने इसको सर्कल कर दिया. उसने क्या किया कि वो उड़ के चला गया दूर. कहाँ गया नहीं पता. यार हमारा वर्ब जो है यानी वो फ्लू कर गया, उसने काम किया गया उड़ा. तो हमारा तो ऑब्जेक्ट नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू अंडरलाइन इट. इन एक्सरसाइज ई पेज नंबर 2 हमें आर्टिकल्स अ, एन और द होते हैं. आपको पता होगा बच्चों, आ हम उस वक्त बात पुट करते हैं जब हम सिंगुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. एन हम ज्यादातर पुट करते हैं वॉवल्स के साथ, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एन पुट करते हैं. जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट. एच इज नॉट अ वॉवल, बट इट इज अ रूल. वी आर गोइंग टू पुट एन विद एन आवर एंड वी आर गोइंग टू पुट एन विद ऑनेस्ट. ही इज एन ऑनेस्ट मैन. वी आर एन आवर लेट. द, वी यूज द उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में, किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं. अलेक्जेंडर लिव अ लॉन्ग टाइम अगो इन द किंगडम मैकडोनी. यहाँ अलेक्जेंडर के बारे में बात हो रही है जो कि एक लंबे अरसे रहा किंगडम एक मैकडोनिया में. एक खास किंगडम, एक खास जगह के बारे में बात हो रही है. दैट्स व्हाई वी पुट द इन दिस प्लान. नाउ एक्सरसाइज F. I hope exercise में आपको समझना आ गया होगा कि बाकी lines में आपने किस तरह ये articles put करना. F. Page number 3. We are going to put pronoun. What are pronoun? The word which we use in place of noun is called pronoun. Like she, he, it, him, her, they, them. These all words are used in place of noun. That's why we call this word pronoun. The first line. Dash received the king. Now here we have two choices. The dash received the king dash. In the first blank, we put he. We are talking about someone. He received the king. Himself. Why we are not going to put she? Because यहाँ इसका मतलब है कि उसने, यानी हम किसी बॉय, किसी लड़के के बारे में, किसी मैन के बारे में बात कर रहे हैं. That's why we put he received. उसने received किया king को खुद जाके. तो he put किया. That's why he के साथ हम यहाँ पे himself put करेंगे, which is also used for male gender. Second
example, give dash the book dash is dash. Now we have three blanks in this sentence. I, mine, me. Give me the book. ये बुक मुझे दे दीजिए. Give me the book. अब आपने ये बुक मुझे दे दी. जो यहाँ बुक के बारे में बात हो रही है, जो तो दैट, क्योंकि हम बुक के बारे में कह रहे हैं, ये बुक मुझे दे दीजिए, दैट इज जो मेरी है, माइन. जब आप बताते हैं कि ये चीज मेरी है तो आप वहां मेरी के लिए जो है वो माइन इस्तेमाल करें. नाउ एक्सरसाइज जी ऑन पेज नंबर 3. जी अंडरलाइन एडजेक्टिव एंड सर्कल नाउन एंड प्रोनाउन. Again, adjective is telling the word which tells you about your object. Vomit filled the glass. What is noun? Vomit is our noun, so we circle vomit here in the sentence. Fill the empty glasses. Vomit kya kar raha hai? Vomit fill kar raha hai glasses ko. Aur glasses kaise hain? Empty, khali hain. The word empty is our adjective. That's why we are going to underline empty. Exercise H on page number 3. Adverbs. What are adverbs? Adverbs are the words which you tell about your verb. कि आपका काम verb किस तरह हो रहा है. Now look in this example. The bird sang sweetly or sweet on the tree. हमारा यहाँ पे noun क्या है? Bird. जो कि sang कर रही है. कोई भी song sang कर रही है, वो किस तरह sang कर रही है? किस तरह कर रही है? Sweetly, that's the mark word sweetly here. The word sweetly is our adverb. Actually, in this exercise, you have to select the correct adverb for your verb. The word sang, काम क्या कर रहा है? Sang, गाना कर रहा है. किस तरह? Sweetly, खूबसूरती के साथ, बहुत मीठा सा. तो वहां पे हमने उसको मार्क किया. Exercise I, page number 4, preposition. The word preposition tells you about your noun. Where is your noun? Where is your object? The teacher distributed the sweets. In this sentence, आपको बताया जा रहा है कि teacher ने distribute करी sweets dash the student. अब student के दरमियान from the students, students से कहीं among the student या students के दरमियान में हम आपस में कहें. So we mark among and write among in this blank. आपको यहाँ पे select करना होता है कि आपने क्या preposition यानी आपका noun जो है वो कहाँ है, आपका object कहाँ put करें. If someone jumped into the river, then we put into the sentence, not in. क्यों? क्योंकि वो non-living thing में jump हो रहा है. Exercise J, page number 4, conjunctions. Conjunctions are the words which we use to join two words or to join two sentences. In this exercise, the book is. We are talking about the book is. The first sentence, the book is in the desk और ऑन द बुकशेल्फ. बताया नहीं जा रहा है कि बुक जो है या तो डेस्क में है या बुकशेल्फ में है. तो या के लिए हम यहाँ पे आइदर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए बच्चों, आइदर का वर्ड जो है वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है. पहला क्या है? द बुक इज किताब है. कहाँ है? इन द डेस्क और बुकशेल्फ. डेस्क में है या बुकशेल्फ में है. तो हम या के लिए आइदर करें. ये दो सेंटेंसेस को वर्ड ज्वाइन कर रहे हैं, सो आइदर इज आवर कंजंक्शन. सेकेंड, I love nature. मुझे नेचर से बहुत प्यार है. And so, इसलिए and oh, so का मतलब इसलिए. I decide to go to the hills. अब दो सेंटेंस अगेन है. I love nature एक सेंटेंस में बताया गया, दूसरे में बताया गया मैंने डिसाइड किया है कि मैं हिल्स पे जाऊँ. तो हम यहाँ पे so सेलेक्ट करेंगे. Why? क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि मुझे नेचर से प्यार है, इसलिए मैं हिल्स पे जा रहा हूँ. So in this sentence, what so is our conjunction. I hope in the students you have understood all these exercises. Now your task is to learn all these exercises in your books and complete all the exercises. Thank you.